आई एम मधु कुमार साहू फ्रॉम हार्दिक गुफा कॉलेज हरदोई और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, उसमें क्या था लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सीआरडी। ठीक है, सीआरडी वैसे जिसका मतलब क्या है, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। ठीक, ये तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसी से ही मिलती जुलती या उसी के ही कुछ भाग हो गया आगे का, जिसका नाम है आरबीडी यानी कि रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। ओके, हमने कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन क्या किया था, रैंडमाइज सीआरडी के लिए तो कि जितना भी ट्रीटमेंट होता था या रेप्लिकेशंस होता था उसको हम लोग कंप्लीटली रैंडमाइज करते थे। ठीक है, मतलब एक ट्रीटमेंट में उसका जो रेप्लिकेशंस होता था या जितने भी आपका कोई भी डेटा है वो इक्वली हम उसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, वहां पर कोई ब्लॉक वगैरह नहीं होता था, लेकिन ये जो आपका आरबीडी है, जो आरबीडी है वहां पर ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो डिजाइन बनेगा वो ब्लॉक पर डिपेंड करता है। ओके, यानी कि इस प्रकार के डिजाइन को हम उस स्थिति में प्रयोग में लाते हैं जब कोई परीक्षण, जो परीक्षण सामग्री होती है मतलब जिसको हमको टेस्ट करना रहता है, उसमें यदि जो लक्षण है, जो सिम्टम्स है वो समांगी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि वो समान नहीं होती है, एक समान नहीं होता है, यानी कि वो भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है एक। ठीक है, इक्विपमेंट या जो परीक्षण रहता है, जो सामग्री रहता है वो तो एक होगा, लेकिन उसके अंतर्गत जो उसका सिम्टम्स है वो प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है ना। तो उस कंडीशन में हम आरबीडी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक खेत में उर्वरक क्षमता है ना, उसको हम लेके चलते हैं, क्योंकि एक खेत है हम कोई भी एरिया लेते हैं, उस एरिया में हम सपोज उसके उर्वरक क्षमता का यदि हमको परीक्षण करना है, टेस्ट करना है, तो हम वहां पर ये देखते हैं कि उसकी उर्वरक क्षमता यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर अधिक है, फिर यहाँ पर कम है। इस प्रकार से क्या होता है, वो रैंडमली रहता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट रहता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक एक एरिया तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके अंतर्गत जो सिम्टम्स है वो प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम आरबीडी का यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम पशुओं में देखते हैं, पशुओं का जो ग्रुप है वो तो एक है। ठीक है, पशुओं में जो ग्रुप है वो एक है, लेकिन प्रत्येक जो पशु है उसकी नस्ल अलग अलग है, नस्ल उसके जो भिन्न भिन्न है, तो वहां पर भी हम आरबीडी का प्रयोग करते हैं, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन होता है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या मिला है सामग्री में तैयार, जो एक हमको एरिया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जितना भी आपको एरिया है ना, जो भी हमको ब्लॉक यहाँ पर मिलता है डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम क्या करते हैं, एक समांगी ब्लॉक में उसको पहले डिवाइड करेंगे, और जो विषमांगी है मतलब जो समान लक्षण वाले हैं उसको एक जगह रखेंगे, और जो विषमांग लक्षण वाले उसको दूसरी जगह रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपका समांगी वाले जो सिम्टम्स वाले जो भी आपका एरिया है उसको हम इक्वली भाग के अंदर उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसको हम लोग इक्वली भाग में डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार से जो विषमांगी वाले भाग आता है, सिम्टम्स होते हैं, उसको हम लोग इक्वली पहले डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो समांगी को अलग रखेंगे, विषमांगी को अलग रखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो ब्लॉक हमको मिलेगा, जो हमको ब्लॉक मिलता है उसको क्या, उसका जो नंबर है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि उपचारों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, हम उसको जितने इकाइयों में बांटते हैं, जितने भी अलग अलग में हम उसको डिवाइड करेंगे, उसका नंबर किस पर डिपेंड करता है, उपचारों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, और इस प्रकार से ब्लॉक बनता है, इस प्रकार से ब्लॉक भी अलग अलग ब्लॉक बनेगा, समांगी का बनेगा और समांगी का भी अलग अलग ब्लॉक बनते हैं, और इस प्रकार जो ब्लॉक है उसको वो किस पर
डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एंड नंबर ऑफ रिप्लिकेशन यानी कि पुनः प्रयोगों की संख्या, उस पर वो डिपेंड करता है, उसकी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो ब्लॉक मिलेगा उसको नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको प्लॉट में लगाते हैं, एक प्लॉट में उसको लगाते हैं। ठीक है, फिर उस प्लॉट में लगाने के पश्चात जितने भी प्लॉट मिलेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, पुनः प्रयोगों की संख्या पर निर्भर करता है, रिप्लिकेशन पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरबीडी का इंट्रोडक्शन। ठीक, समझ आया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली और बातें होती है, जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे इसमें जो भी ये इस प्रकार के जो डिजाइन है, इस प्रकार के जो आपका आरबीडी डिजाइन है उसको हम क्या करते हैं, जो ब्लॉकों की संख्या है, नंबर ऑफ जो ब्लॉक है वो किस पर डिपेंड करेगा, किसके ऊपर होना चाहिए आपके, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से सेकेंड हम देखेंगे जो भी प्लॉट बनता है, जो प्लॉट बनता है वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के इक्वल होना चाहिए और उसके साथ ही नंबर ऑफ रिप्लिकेशन पुनः प्रयोग की संख्या इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, जैसे कि आपका प्लॉट भी बन गया है, ब्लॉक भी बन गया है ना, अब जो पुनः प्रयोगों की संख्या है वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्लॉट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम देखें कि जो समांगी यदि किसी भी एरिया में है ना, समांगी जो एरिया होता है, जो समांगी ब्लॉक है वो इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितने हम लोग ब्लॉक में डिवाइड करेंगे वो उसी के इक्वल होने चाहिए, मतलब ना तो वो उसके ज्यादा होना चाहिए ना वही उसके कम होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक के इक्वल होना चाहिए, या जब विश्वमांगी होती है, विश्वमांगी जो लक्षण सिंड्रोम होता है, ठीक है, वो भी आपके नंबर ऑफ ब्लॉक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी खेत को हम जितने भी ब्लॉक में डिवाइड करते हैं है ना, वो नंबर ऑफ प्लॉट्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और उसको हम जितने भी भाग में डिवाइड करते हैं उसमें जो सिम्टम्स है समांगी और विषमांगी है ना, दोनों इसके इक्वल होने चाहिए, ब्लॉक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तभी इसका डिजाइन बनता है। ओके, इसी प्रकार से हम पशुओं के समूह देखते हैं, यानी कि सपोज गायों के जो समूह है उसमें देखते हैं, उसके लक्ष्य, उसके जो नस्ल है, नस्ल तो सेम है। ठीक है, गायों की जो एक ग्रुप का जो नस्ल है वो तो बराबर है, लेकिन नस्ल के अलावा अन्य जो और भी सिम्टम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो उस कंडीशन में आरबीडी नहीं बनेगा, उस कंडीशन में आरबीडी नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि एक एरिया का या एक ही आपके सामग्री का जिसका हमको टेस्ट करना है उसके जितने भी सिम्टम्स है वो इक्वल होना चाहिए, एक समान, सभी में एक समान होना चाहिए, तभी आरबीडी बनेगा। ठीक है, अगर वहां पर जितने भी सिम्टम्स है वो अलग अलग है, एक समान नहीं है, यानी कि उसको तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, समांगी और विषमांगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, समांगी के लिए अलग डिजाइन बनाएंगे, फिर विषमांगी के लिए अलग डिजाइन बनाते हैं। ठीक, ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट आपके बातें हैं, नोट्स सपोज किसको
इसी प्रकार से अब जो उपचारों का यादृच्छीकरण उन्होंने सीआरडी में कर रखे, उपचारों का जो यादृच्छीकरण यानी कि रैंडमाइज ऑफ ट्रीटमेंट, रैंडमाइज ऑफ ट्रीटमेंट रैंडमाइज ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जिस प्रकार से हम सीआरडी में करते थे नंबर ऑफ रैंडमाइज ऑफ ट्रीटमेंट उसी प्रकार से यहां पर भी करते हैं। ठीक है, रैंडमाइज ऑफ ट्रीटमेंट यानी कि उपचारों की परीक्षण, ठीक है, उपचार की क्या बोलते हैं उसको यादृच्छीकरण। ठीक है, अब वहां पर हम क्या लेते थे, सिर्फ उपचारों की संख्या लेते थे एन और पुनः प्रयोगों की संख्या यानी कि रिप्लिकेशन क्या लेते थे, आर लेते थे। ठीक है, अब और हम अगर उसको टोटल नंबर ऑफ लेकिन जो आरबीडी है, आरबीडी को हम क्या देंगे, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट यही रहेगा, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट यही रहेगा और नंबर ऑफ रिप्लिकेशन वो भी आ ही रहेगा। लेकिन अब यहां पर क्योंकि दो प्रकार के आपको क्या मिलेगा, सिम्टम्स मिलते हैं, इसलिए टोटल नंबर ऑफ परीक्षण या टोटल नंबर ऑफ क्या बोलेंगे उसको टेस्ट क्या हो जाएगा, एन इंटू आर माइनस वन, माइनस वन। ठीक, तो इस प्रकार से हम रैंडमाइज ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, उपचारों की यादृच्छीकरण करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह और है कि हम सीआरडी क्या करते थे कि जितने भी आपका जितने भी आपको प्लॉट बनता था, है ना, जितने भी प्लॉट बनता था वो उसमें क्या करते थे, जैसे कि 20 आपका ब्लॉक बन रहा है ना, 20 आपका अलग अलग भाग बन रहा है या 20 आपका रेंडमाइज रैंडम नंबर मिलता है ना, उसको हम इक्वल भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक, सपोज हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए हैं, है ना, तो उस कंडीशन में क्या करते थे, जितने भी आपका एक जैसे कि हम ए बी सी डी ऐसा हम भाग लेते थे, है ना, तो उसमें आपका जितने भी रैंडम नंबर है, जैसे कि पहले भी हमने देखे थे यहाँ पर जो भी हम रैंडम नंबर लेंगे वो 20 से कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा का हम कंप्लीट के सीआरडी में डिजाइन नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर इसका मेन डिफरेंट क्या है, हम आरबीडी कर लेंगे, अगर 20 से ज्यादा भी है, अगर जो रैंडम नंबर 20 से ज्यादा भी है तो उसको हम काम रखेंगे, विश्व नाम लिए रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम एक यहाँ पर ब्लॉक बना लिए हैं, एक प्लॉट बना लिए हैं, तो उस प्लॉट में जितने भी ना आपका रैंडम नंबर आता है उसको हम सीधे सीधे उसमें लगा देते हैं, उस प्लॉट में हम लगा देते हैं उसको। ठीक है, नंबर ऑफ जो ट्रीटमेंट है उसको इस प्लॉट में ऐसे लगा देते हैं। ठीक, एक ग्रुप बना के, लेकिन आरबीडी में हम क्या करेंगे, प्रत्येक जो रैंडम नंबर है, प्रत्येक रैंडम नंबर है 4, 11, 13, 14 सपोज। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने जैसे एक प्लॉट में हम उसको लगा रहे हैं नंबर ऑफ ट्रीटमेंट को हम एक प्लॉट में लगाते हैं, तो प्रत्येक प्लॉट में जितने भी आपका रैंडम नंबर आता है उसको पुनः प्रयोग में लाते हैं, उसको पुनः प्रयोग में लाते हैं, यानी सभी का एक एक करके रिप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, समझ आया। उसके बाद इसका हम स्टैटिकल एनालिसिस देखेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखेंगे यानी कि सांख्यिकीय विश्लेषण देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सीआरडी में आपका नंबर ऑफ वेरिएंस, नंबर ऑफ वेरिएंस
कितना होता था, दो ही होते थे वहां पर, ठीक है। कौन कौन सा होता था आपका, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होता था, और सेकेंड क्या होता था आपका, एरर। ये ठीक है, दो ही वहां पर वेरिएंस होते थे, दो ही वहां पर विचरण होता था। लेकिन आरबीडी में तीन वेरिएंस होते हैं, आरबीडी में तीन वेरिएंस होते हैं, कौन कौन से हैं, फर्स्ट ट्रीटमेंट भी होगा, ठीक, सेकंड एरर होगा, एंड थर्ड यहां पर आ जाता है नया चीज क्या है यहां पर, क्योंकि आरबीडी है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है, तो यहां पर थर्ड जो वेरिएंस क्या होगा, ब्लॉक होता है, ठीक है, थर्ड जो वेरिएंस है वो ब्लॉक होता है, ठीक। तो सीआरडी में दो ही वेरिएंस होते थे, ट्रीटमेंट एंड एरर, लेकिन आरबीडी में तीन वेरिएंस होंगे, ट्रीटमेंट एरर एंड ब्लॉक, ओके। तो आज देखते हैं हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी कि सांख्यिकी विश्लेषण ऑफ आरबीडी, सांख्यिकी विश्लेषण ऑफ आरबीडी, स्टैटिस्टिकल ऑफ आरबीडी, ठीक है। तो जैसे कि हमने सीआरडी में इनोवा टेबल बनाए थे, उसी प्रकार से आपके आरबीडी में भी इनोवा टेबल बनता है, ठीक है। वो टेबल किस प्रकार से होगा वो देखेंगे, है ना। फर्स्ट जो आता है आपका सोर्स ऑफ वेरियंस, सोर्स ऑफ वेरियंस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या था आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। उसके बाद प्रसरण आता था, जिसको लोग एम एस ए डिनोट करते थे, प्रसरण यानी कि एम एस ए उसको डिनोट करते थे। उसके बाद आता था आपका एस एस यानी कि सम ऑफ स्क्वायर, एस एस सम ऑफ स्क्वायर, ओके। इसी के बाद आता है आपका एफ टेस्ट, एफ टेस्ट, ओके। तो इस प्रकार से इसका क्या बन गया, इनोवा टेबल बन गया है, ठीक। अब नंबर ऑफ या सोर्स ऑफ वेरिएंस क्या कह देते हैं यहां पर, क्योंकि आरबीडी पर्पस पर आपका वेरिएंस होता है, फर्स्ट आपका है ब्लॉक ले लेंगे, ठीक है। सेकेंड हम लेंगे इसका ट्रीटमेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पर डिपेंड करेगा, उसके रो एंड कॉलम पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि आपका रिप्लिकेशंस क्या क्या है आपका, यानी कि रिप्लिकेशन कितना है, ठीक है। इसी प्रकार से ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितना है वो, उस पर वो डिपेंड करता है। यानी कि सपोज ये ब्लॉक के अंदर हम देखेंगे R माइनस वन रिप्लिकेशन है, इसी प्रकार से फ्रीडम ट्रीटमेंट में देखेंगे N माइनस वन, ठीक है। ये क्या है ट्रीटमेंट के लिए, इसी प्रकार से एरर, एरर में क्या देखेंगे N माइनस वन, N माइनस वन इंटू R माइनस वन, इंटू R माइनस वन, ठीक। इस प्रकार से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लिखेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा सबको सॉल्व कर देंगे, तो इसका आ जाता है एन इंटू आर माइनस वन, ठीक है। इस प्रकार से आता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके।
इसी प्रकार से आपका है एमएस यानी कि प्रसरण, ठीक है, इसका वेरिएंस देखेंगे आप। तो वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे इसको, जैसे कि ब्लॉक में निकालें क्या होगा, वेरिएंस ऑफ ब्लॉक। ट्रीटमेंट में निकालेंगे क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ टी। एरर पे निकालेंगे तो वेरिएंस ऑफ टी, ठीक। इसी प्रकार से एसएस, एसएस कैसे निकालते हैं मालूम आपको, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन, ओके, ये हो गया एसएस। इसी प्रकार से एफ टेस्ट, अब एफ टेस्ट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं एफ टेस्ट, देखो वेरिएंस ऑफ ब्लॉक अपॉन वेरिएंस ऑफ ट्रीटमेंट, वेरिएंस ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। इसी प्रकार से इस तरह क्या लेंगे, वेरिएंस ऑफ वेरिएंस ऑफ ट्रीटमेंट अपॉन वेरिएंस ऑफ एरर, ठीक। तो इस प्रकार से हम एफ टेस्ट निकालेंगे, ओके। अब यहां पर अब ये जो आप टेबल बना है इसको हम क्या बोलते हैं, एनोवा टेबल, एनोवा टेबल बनते हैं, ठीक है। इसके लिए आरबीडी के लिए रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन के लिए ये एनोवा टेबल है, ओके। तो यहां पर एक टेबल तैयार हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम एमएस एसएस एंड एफ टेस्ट, ठीक है, सभी का हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और उसके बाद हम उसके रिजल्ट पर आते हैं, ठीक है। रिजल्ट पे आने के बाद हम क्या देखेंगे वहां पर, कि जो रिजल्ट है वो सिग्निफिकेंस आता है कि नहीं आता, मतलब वो सार्थकता है या नहीं है, ठीक है। यानी कि जितने भी आपको परिणाम मिलेगा, जितने भी आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें उसकी सार्थकता में अंतर है या नहीं है, ठीक है। अगर अंतर नहीं है तो हमको और आगे एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन सपोज सभी की जो वैल्यू है उसके सिग्निफिकेंस में यदि डिफरेंट आता है तो हमको फिर से एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम लंबा प्रोसेस ना लेके क्या करेंगे, सीधा क्या निकालते हैं, क्रांतिक अंतर निकालते हैं, यानी कि क्रिटिकल डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। क्रिटिकल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, क्रिटिकल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इसका, अंडर रूट टू इंटू वी ई अपॉन आर इंटू पी 5% आपको निकालते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो हम क्रिटिकल डिफरेंस कब निकालेंगे, जब आपका सिग्निफिकेंस में डिफरेंट नहीं आता है, ठीक है, सॉरी सिग्निफिकेंस में डिफरेंट आता है तो उस कंडीशन में हम क्रिटिकल डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। क्रिटिकल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, एरर ऑफ वेरिएंस, यहां पर हम सिर्फ क्या लिखेंगे, एक ही एरर को लिखते हैं, वो क्या है, एरर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। इसी प्रकार से आपका नंबर ऑफ रेप्लिकेशन हो जाएगा आर, ठीक। अब क्योंकि आपके सिग्निफिकेंस में कोई डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम यहां पर एक्सेप्ट करते हैं यहां पर क्योंकि 5% हम जब वहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे तो नल हाइपोथेसिस
नहीं एक्सेप्ट नहीं होता ठीक है। एक चीज हम आपको क्लियर करते हैं, नल हाइपोथेसिस कब एक्सेप्ट होगा या जब जहां पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है वहां पर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं लेंगे ठीक है। लेकिन जहां पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होता है वहां पर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेंगे, कितना लेंगे 5% लेते हैं ठीक है। इसी प्रकार से जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना लेते हैं 1% लेते हैं ठीक, समझ आया। तो ये हो गया आपका सीआरडी के लिए क्रिटिकल डिफरेंस ओके समझ आया। इसके बाद हम देखेंगे सीआरडी में कुछ गुण होता है और कुछ दोष भी होता है, मतलब जिस प्रकार के आपके सीआरडी में कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स होते हैं उसी प्रकार से आपके आरडी में भी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं ठीक है। तो आइए आप सबसे पहले देखते हैं इसका मेरिट्स देखते हैं, इसके गुण देखते हैं क्या क्या गुण है ठीक है। तो आरडी के लिए हम क्या देखेंगे, क्या देखते हैं आरडी में कि इसके बाद हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ आरबीडी ठीक है। इसके हम मेरिट्स देखेंगे, फर्स्ट जैसे कि हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या देखा है सीआरडी में क्या देखते थे, जहां पर आपका नंबर ऑफ ट्रीटमेंट या नंबर ऑफ रिप्लिकेशन इक्वल नहीं आता है तो वहां पर उसका डिजाइन हम नहीं बना सकते, सीआरडी हम नहीं बना सकते। लेकिन आरबीडी में एक मुख्य गुण होता है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट नंबर ऑफ रिप्लिकेशन डिफरेंट डिफरेंट है, या फिर एक हम ऐसे बोल सकते हैं जिस एरिया का हम टेस्ट करना चाहते हैं है ना उस एरिया में जो सिम्टम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है ना, तो भी हम आरबीडी डिजाइन बना सकते हैं, आरबीडी हम वहां पर बना सकते हैं ठीक है। इसी प्रकार से नंबर ऑफ ट्रीटमेंट और नंबर ऑफ आपके रिप्लिकेशंस डिफरेंट डिफरेंट है तो भी हम आरबीडी बना सकते हैं, या यदि आपके नंबर ऑफ ट्रीटमेंट बहुत बड़ा है तो भी हम इस आरबीडी को बना सकते हैं। इसी प्रकार से ब्लॉक भी बहुत ज्यादा है तो भी हम आरबीडी को बना सकते हैं ठीक है ना। तो और इसी प्रकार से इसका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो भी बहुत इजी है, बहुत सरल है ना। तो ये हो गया मेरिट्स, इसी प्रकार से डीमेरिट्स में देखेंगे। डीमेरिट्स में क्या है, जैसे कि जब नंबर ऑफ ब्लॉक्स बहुत बड़ा होता है तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत बड़ा होता है ना, तो इस प्रकार से उसका जो रिजल्ट है उसमें एरर बहुत ज्यादा आ जाता है ठीक है। इसी प्रकार से जब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट बहुत बड़ा है तो नंबर ऑफ रिप्लिकेशंस वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना, जिसके कारण उसका जो रिजल्ट है उसमें एरर आने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है ठीक। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पर कि आरबीडी डिजाइन बनाने के लिए हम जो हम टेस्ट करते हैं उस टेस्ट में देखते हैं कि यहाँ पर विषमांगी और समांगी दो तरह के हम सिम्टम्स देखते हैं ना, दोनों सिम्टम्स को हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए जो भी हम एरर फाइंड करते हैं तो एरर फाइंड करने के बाद भी उसका जो रिजल्ट है वो शुद्ध नहीं होता है ठीक है, शुद्ध नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लंबा हो जाता है, यानी कि इसका जो आकार है इसका जो साइज होता है नंबर ऑफ ब्लॉक्स के आधार पे नंबर ऑफ प्लॉट्स नंबर ऑफ ट्रीटमेंट नंबर ऑफ रिप्लिकेशंस बहुत बढ़ जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो हमको शुद्ध नहीं मिलता है ठीक है। ये हो गए इसका डीमेरिट्स ओके। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे
इसके लिए कुछ एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।